अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका उर्दू का कायदा है। आज हमारा उर्दू का पीरियड है। उर्दू के कायदे में आज हम करेंगे रीडिंग, ठीक है? सो बुक ओपन करने से पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्मे इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सो बुक ओपन करें पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर देखिए, ये हमारे पास है नया हर्फ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाम, ठीक है? लाम के बाद कौन सा हर्फ आता है? शाबाश, मीम। कौन सा हर्फ आता है? मीम। कौन सा हर्फ आता है? मीम। ये है मीम की शक्ल, ठीक है? ये है मीम की पूरी शक्ल और ये है मीम की आधी शक्ल। कौन सी शक्ल है? ये मीम की आधी शक्ल है, ठीक है? अब यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। मीम से मछली, माँ माँ मछली। मीम से मछली, माँ माँ मछली। मीम से मोर, माँ माँ मोर। मीम से मोर, माँ माँ मोर। मीम से मटर, माँ माँ मटर। मीम से मटर, माँ माँ मटर। तो ये तो हो गई इसकी रीडिंग, मीम की शनाख्त और इसकी आधी शक्ल की शनाख्त, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, छोटी सी एक्टिविटी हमें दी गई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या मछली के बगैर जिंदा क्या मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है? ठीक है, मछली कहाँ होती है? पानी में होती है ना। तो क्या हम उसको पानी में से निकाल लें तो क्या वो जिंदा रह सकती है? नहीं ना, बिल्कुल। यहाँ देखिए, आपको दो बॉक्स दिए गए हैं, एक में लिखा हुआ जी हाँ और दूसरे में लिखा हुआ जी नहीं। तो मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तो हम कौन सा बॉक्स में टिक करेंगे? जी नहीं वाले बॉक्स में टिक करेंगे। मैंने देखा जी नहीं वाले बॉक्स में टिक किया है, आप भी उसी में टिक करेंगे, ठीक है? इसकी रीडिंग करिएगा, इसको अच्छे से याद करिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा काम खत्म करने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश, अल्लाह हाफिज़।